जुन्नार जो नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 में 14 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन मंगल भवन की गुणवत्ता पर पार्षद ने की शिकायत। मध्य प्रदेश नगरी प्रशासन की मंशा रूप नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डों में मंगल भवन व अन्य निर्माण कार्य किए जाने संबंधी ठेका नापा द्वारा दिया गया, किंतु निर्माण के दौरान घटिया रेत व अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, किंतु नापा अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की चुप्पी शासन की मंशा को पलीता लगाने का काम कर रहा है। ऐसा ही मामला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 जहां पर लगभग 14 लाख रुपए की लागत से मंगल भवन बन रहा है, जिसकी गुणवत्ता की शिकायत खुद वार्ड पार्षद विक्रांत विश्वकर्मा द्वारा लिखित रूप से नापा सीमो से की गई, किंतु शिकायत को दरकिनार कर गुणवत्ता का दम भरने वाले इंजीनियर व अधिकारी कार्य पूर्ण कराकर संबंधित ठेकेदार के हितैषी बने हुए हैं, जिसकी जाँच की मांग पार्षद व वार्ड वासियों द्वारा की गई है। सर, ये वार्ड क्रमांक 17 में मंगल भवन बन रहा है, कितनी लागत का है ये? चौदह लाख कुछ का है। 14 लाख रुपये। तो आज इसका स्लैब का काम चल रहा है, जिसको लेकर वार्ड के कुछ लोगों द्वारा और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता ही नहीं है। आज की शिकायत जो दर्ज कराई उसकी जानकारी मुझे नहीं है जी। बाकी ये जो कंक्रीट का जो काम चल रहा है जी। ये M20 कंक्रीट डल रहा है बकायदा एक्यूरेट, और हम यहाँ सामने से डलवा रहे हैं। मतलब आपका कहने के हिसाब से जो पार्षद द्वारा शिकायत की गई है वो निर्माणाधीन है? बिल्कुल, गलत काम। कंक्रीट बिल्कुल सही डल रही है और एक्यूरेट डल रही है। रेत की गुणवत्ता सही है? रेत की गुणवत्ता सही है, सही है। क्या नाम लिखते हैं? मैं देवेंद्र डहरिया। आप नगर पालिका इंजीनियर? थैंक यू। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना ना भूलें।